Yes, good morning students, good morning to all of you. Last lecture जो हमारा था वो हमारा life process for that is excretory system. उस excretory system को हमने discuss किया था कि excretory system क्या? Excretory system is a system which is made up of two kidneys, two ureters, renal artery, renal vein, two ureters. Urinary bladder and urethra. इस excretory system में सबसे major role किसका है? Kidneys का. सबसे major role kidneys का क्यों है? क्योंकि जो kidneys होती हैं बच्चे, वो हमारे blood के अंदर से जितना भी poisonous waste होता है या toxic substances होते हैं, उनको liquid की form में filter करके separate कर देती है. जब फिल्टर करके सेपरेट कर देती है तो ब्लड क्या हो जाता है? क्लीन हो जाता है. और वो क्लीन ब्लड जिसके अंदर कोई भी सब्सटेंसेस नहीं है, वो क्लीन ब्लड बॉडी के अंदर वापस चला जाता है. किडनीज ये फंक्शन थ्रू आउट लाइफ करती रहती है, तो उनका काम है ब्लड को क्लीन करना, ब्लड में से टॉक्सिक सब्सटेंसेस को रिमूव करना. और आपको अच्छे से पता है कि हमारी बॉडी के हर ऑर्गन के पास ब्लड जाता ही रहता है कॉन्टिन्यूसली विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम हम कर चुके हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड के थ्रू सारे ऑर्गन्स में ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड पहुंचता रहता है और किडनीज के पास भी लगातार ब्लड पहुंच रहा है. और किडनीज के पास जब ब्लड पहुंचता है तो वो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड. डीऑक्सीजनेटेड का ब्लड है टॉक्सिक ब्लड है, इम्प्योरिटीज वाला ब्लड है, पॉइजनस ब्लड है. इसके अंदर ऐसे सब्सटेंसेस है जिनकी हमारी बॉडी को कोई नीड नहीं है. उन सब्सटेंसेस को बॉडी से एक्सक्रीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर उन सब्सटेंसेस को बॉडी से एक्सक्रीट नहीं किया गया तो पूरी बॉडी के अंदर वो वेस्ट सब्सटेंस डिपॉजिट होते रहेंगे. सपोज आपके घर के अंदर अगर वेस्ट डिस्पोजेबल सिस्टम नहीं है तो सारे का सारा वेस्ट आपके घर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा और वो वेस्ट जो इकट्ठा होता रहेगा वो आपके घर को क्या करेगा? बदबूदार कर देगा, स्मेल वाला कर देगा आपके घर को. और आपका घर ऐसा हो जाएगा कि आप उस घर को पॉसिबल ही नहीं होगा उस घर में आपके लिए रहना. बिल्कुल वैसे ही हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है. जब हम डाइजेशन करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, तो हमारे बॉडीज के बॉडी के अंदर भी वेस्ट प्रोड्यूस होता है उन एक्टिविटीज से. और वो वेस्ट का रिमूव होना हमारी बॉडी से बहुत जरूरी होता है और ब्लड का क्लीन होना बहुत जरूरी होता है क्योंकि क्लीन ब्लड के बिना बॉडी का कोई भी एक्टिविटी, बॉडी का कोई भी फंक्शन पॉसिबल नहीं है. तो ये ब्लड को क्लीन करने का काम हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम करता है और उस एक्सक्रीटरी सिस्टम का सबसे मेजर पार्ट है किडनीज. हमारी बॉडी में कितनी किडनीज है? टू किडनीज है. और अगर हमारी बॉडी में किसी भी कारण से, किसी भी रीजन से एक किडनी की फंक्शनिंग खराब हो जाती है, एक किडनी वर्क करना बंद कर देती है, तो हमारी बॉडी में इसका इफेक्ट जो है वो दूसरी किडनी ले लेती है. दूसरी किडनी की फंक्शन चलती रहती है तो हमारी बॉडी वर्क करती है. लेकिन अगर दोनों किडनी डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी के अंदर सारा का सारा टॉक्सिक सब्सटेंस इकट्ठा हो जाता है. तो उस टॉक्सिक सब्सटेंस के साथ उस बॉडी का सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं होता. और जो इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है हमारी बॉडी का किडनीज, तो हमें उसके स्ट्रक्चर के बारे में समझना है. इट इज इन योर सिलेबस कि उसके अंदर क्या ऐसा स्ट्रक्चर है जिससे जो है टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव हो जाते हैं और ब्लड क्लीन हो जाता है. ऐसा क्या स्ट्रक्चर? जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर किडनी का स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि किडनी के अंदर बहुत सारे
large number of excretory units. वो excretory units का नाम है nephron. उन nephron का काम है excretion में help करना. Excretion में help करना यानी कि waste को separate करना और clean blood को अलग करना और clean blood वापस body में चला जाएगा. तो बहुत सारे हमारी किडनी के अंदर excretory units हैं. उन excretory units को हम क्या कहते हैं? Nephron. मैं आपको इन किडनी के स्ट्रक्चर को इंटरनली किडनी कैसी दिखती है, nephron कैसा होता है, nephron का स्ट्रक्चर कैसा होता है, कैसे वो फिल्ट्रेशन करता है, डायग्राम की हेल्प से एक्सप्लेन करूंगी. मैंने आपको डायग्राम में एक nephron दिखाना है so that कि आप उस एक्टिविटी को, उस प्रोसेस को अच्छे से समझ पाओ. अदरवाइज किडनी के अंदर बहुत सारे nephron होते हैं. लेट्स स्टार्ट विद द डायग्राम. ये मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ. ये आपको बाहर वाले शेप को देखते हुए आपको दिखाई दे रहा है कि किडनी की शेप कैसी होती है, जैसे कि मैंने बीन शेप होती है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि किडनी इज ए बीन शेप स्ट्रक्चर. आपके घर में राजमा होंगे तो राजमा की शेप अगर आप देखी होगी तो बिल्कुल वैसी ही शेप हमारे किडनीज की होती है. तो ये हम ये शेप ड्रॉ कर दी जिससे हमें पता चला कि हमारी किडनी क्या है, बीन शेप है. बाहर से हमें वो बीन शेप दिखाई दी. यहाँ पर मैंने दो ब्लड वेसल्स शो कर दिए. उसमें एक ब्लड वेसल को मैं ऐसे डार्क फिल कर दी. ये देख रहे हो आप कि मैं इसको डार्क फिल कर दी. ये डार्क फिल करने का मतलब क्या है कि मैं यहाँ पर इसके अंदर डर्टी ब्लड शो करना चाहती हूँ. ये कौन सा ब्लड है जिसको मैंने डार्क किया है? ये डार्क ब्लड कौन सा है? डर्टी ब्लड. अब ये डर्टी ब्लड आपको अच्छे से पता है कि डर्टी ब्लड क्या होता है. डर्टी ब्लड होता है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट होता है. उस ब्लड को हम क्या कहते हैं? टॉक्सिक ब्लड, डर्टी ब्लड. और ये जो ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल को मैंने लेबल किया रीनल आर्टरी. इसको मैंने क्या लेबल किया? रीनल आर्टरी लेबल. बच्चे मैंने आपको अपने पिछले लेक्चर में भी ये बात एक्सप्लेन करी थी कि जो आर्टरीज होती है, आर्टरीज का काम होता है क्लीन ब्लड कैरी करना. लेकिन हमारी बॉडी में दो आर्टरीज ऐसी हैं और दो वेन्स ऐसी हैं जो ऑपोजिट काम करती है. वन मार्क का क्वेश्चन इनसे निकलता है. एग्जाम में वन मार्क का क्वेश्चन आता है कि एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो डर्टी ब्लड कैरी करती है, किडनीज के पास लेकर जाती है, और एक ऐसी आर्टरी का नाम बताओ जो डर्टी ब्लड कैरी करती है और किसके पास लेकर जाती है? लंग्स के पास लेकर जाती है, हार्ट के पास लेकर जाती है. तो यहाँ पर जो नाम मैंने दिया है रीनल आर्टरी, ये रीनल आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो बाकी आर्टरीज से ऑपोजिट काम कर रही है. आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स है जो क्लीन ब्लड कैरी करती है, लेकिन रीनल आर्टरी एक ऐसी ब्लड वेसल है जो किडनी के पास डर्टी ब्लड को लेकर जाती है. आर्टरी का नाम है रीनल आर्टरी और इसके अंदर जो ब्लड है वो कौन सा ब्लड है? डर्टी ब्लड. ये डर्टी ब्लड किडनी के अंदर लेकर जाएगी. किडनी के अंदर किसके पास लेकर जाएगी? नेफ्रॉन के पास लेकर जाएगी. और सेकेंड मैंने यहाँ पर एक और ब्लड वेसल ड्रॉ करी है. ये एक और ब्लड वेसल है, इसको मैंने अंदर से डार्क नहीं करा. इसको मैंने अंदर से इसलिए डार्क नहीं करा क्योंकि इसको मैं शो करना चाहती हूँ कि इसके पास क्या है? क्लीन ब्लड है. इसलिए मैंने अंदर से इसको डार्क लेबल नहीं करा और तुमने भी इसको अंदर से डार्क लेबल नहीं करना. और इसके अंदर जो मैं ऐड दे रही हूँ, इसके अंदर लेबल क्या करेंगे? क्लीन ब्लड. और क्लीन ब्लड और कौन सी ब्लड वेसल है, इसका नाम मैं क्या लिखूंगी? रीनल वेन. जैसे रीनल आर्टरी ऑपोजिट काम कर रही है, सारी वेन्स का काम क्या होता है? सारी वेन्स का काम होता है क्लीन ब्लड को लेकर कर अनक्लीन ब्लड को लेकर जाना. और रीनल वेन एक ऐसा काम कर रही है जो ऑपोजिट है,
यानी कि वेन्स के पास डर्टी ब्लड होता है लेकिन रीनल वेन के पास क्लीन ब्लड है। ये क्लीन ब्लड जब किडनी ब्लड को फिल्टर करते ही ये रीनल वेन क्लीन ब्लड को बॉडी के अंदर वापस ले जाए सो दैट कि हमारी बॉडी में ब्लड लॉस ना हो। तो मैंने इसको यहाँ पर लेबल किया है क्लीन ब्लड, यहाँ लेबल किया है रीनल वेन। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, ये स्ट्रक्चर जो है हमारा क्या है नेफ्रॉन, इसे हम क्या कहते हैं एक्सक्रीटरी यूनिट। ये जो नेफ्रॉन मैंने बना रखा है ये पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर दिस इज कॉल्ड द नेफ्रॉन। अब ये नेफ्रॉन क्या है ऑलरेडी मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये नेफ्रॉन क्या है एक्सक्रीटरी यूनिट है। डायग्राम में मैंने आपको सिर्फ एक नेफ्रॉन शो करा है, अदरवाइज बहुत सारे नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं और ये नेफ्रॉन किसका काम करते हैं एक्सक्रीशन का काम करते हैं। अब मैं इसी नेफ्रॉन को आपको एनलार्ज करके दिखाऊंगी सो दैट कि आपको पता चल जाए कि ये नेफ्रॉन का क्या स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर मैंने एक कप शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, ये कौन से शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है कप, ये ऊपर वाला हिस्सा जिसको मैं क्या कह रही हूँ कप की शेप कह रही हूँ, इस ऊपर वाले पोर्शन को। ये जो नेफ्रॉन का ऊपर वाला हिस्सा है जिसे मैं कप शेप बोल रही हूँ इसको बोलते हैं वो मैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं, नाम यही है, बार बार आप प्रोनाउंस करोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएंगे। यही साइंस साइंस डिफिकल्ट क्यों है क्योंकि उसके अंदर जो नाम यूज होते हैं वो डेली लाइफ से रिलेटेड नहीं है, हम उन्हें डेली लाइफ में यूज नहीं करते इसलिए हमें लगता है कि वो मुश्किल है। तो कोई भी चीज मुश्किल है उसे हम इजी कैसे कर सकते हैं अगर हम उसकी बार बार क्या करें प्रैक्टिस करें। तो ये नाम आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, ये आपका कप शेप स्ट्रक्चर है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं बोन मैन कैप्सूल। और यहाँ पर आप नीचे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, ये मैंने और बड़ा कर दिया सो दैट आपको और क्लियर हो जाए। नीचे वाला पोर्शन जो है वो ट्यूब शेप है और इस ट्यूब शेप स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं टिब्यूल। क्या बोलते हैं इसको टिब्यूल बोलते हैं लोअर वाले स्ट्रक्चर। और अब ये जो ऊपर वाला कप शेप स्ट्रक्चर है इसके अंदर होती है कैपिलरीज। आपको अच्छे से पता है कैपिलरीज क्या है, कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स की ब्रांचेस हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड सप्लाई करती है और उन ब्रांचेस को क्या कहते हैं कैपिलरीज। और जो आर्टरीज के साथ अटैच है वो आर्टरीज की कैपिलरीज है और जो वेन्स के साथ अटैच है वो वेन्स की कैपिलरीज है। अब आगे बात ये वाली कैपिलरीज, ये भी ब्रांचेस है लेकिन इन कैपिलरीज का हमने एक स्पेशल नाम लिखा हुआ है बताया हुआ है, इसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस, GLOMERULUS, इसे हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुलस बोलते हैं। अगर इस डायग्राम को अच्छे से आप देखो तो आपको ऊपर एक कप शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उस कप शेप स्ट्रक्चर को बोला ग्लोमेन कैप्सूल और जो नीचे आपको ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसको हमने बोला टिब्यूल। और इस कप शेप स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कैपिलरीज है और उन कैपिलरीज को हमने बोला ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस ओमेन कैप्सूल और टिब्यूल इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया नेफ्रॉन। और ये नेफ्रॉन एक नहीं है मिलियंस हैं, बहुत सारे नेफ्रॉन्स हैं। और ये नेफ्रॉन किसका काम करते हैं फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है, आपने कभी फिल्ट्रेशन देखी होगी, हम लैब्स में फिल्ट्रेशन करते थे, फिल्टर पेपर लगाते थे और एक हम फनल लेते थे, उस फनल का ऊपर वाला स्ट्रक्चर कप जैसा होता था और उसके नीचे वाला स्ट्रक्चर कैसा होता था फनल का नीचे वाला ट्यूब जैसा होता था स्ट्रक्चर और उसके अंदर हम एक ऐसा पेपर फिट कर देते थे जो फिल्टर करने का काम करता है।
अगर आपने अपने घर में लाइव एग्जांपल देखनी हो, उस टाइम आप स्कूल नहीं जा रहे, आपने घर में अगर देखना हो, आपके घर में एक चाय को छानने वाली छन्नी होती है, उसके अंदर जो बारीक बारीक जाली लगी होती है वो किसका काम करती है? फिल्ट्रेशन का काम करती है। फिल्ट्रेशन का काम करने का मतलब जो बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें से पास हो जाते हैं और जो बड़े साइज के पार्टिकल होते हैं वो उसके ऊपर ही रह जाते हैं। तो वो फिल्ट्रेशन का काम करती है और ऊपर वाला स्ट्रक्चर कप जैसा होता है और नीचे वाला आपका स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा होता है, तो उससे क्या होती है? फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन के लिए ये जो नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन का एक एंड अब फिल्ट्रेशन तो तभी करेगा ना नेफ्रॉन जब रीनल आर्टरी इसके पास डर्टी ब्लड लेकर आएगी, और जब फिल्ट्रेशन हो जाएगी तो रीनल वेन क्लीन ब्लड बॉडी के अंदर वापस ले जाएगी, राइट? तो फिल्ट्रेशन के लिए रीनल आर्टरी जो रीनल आर्टरी है इसके पास डर्टी ब्लड लेकर आएगी। रीनल आर्टरी डर्टी ब्लड लेकर आएगी, इसका मतलब इस ग्लोमेरुलस का एक एंड, इस ग्लोमेरुलस का एक एंड जो मैंने यहां पर भी डायग्राम में शो करा हुआ, इस डायग्राम में ये देखो, मैंने ध्यान से इस डायग्राम में मैंने ये रीनल आर्टरी बनाई है। दिस रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द डर्टी ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस। ये वन एंड इसका यहां से अटैच मैंने दिखाया और ये दूसरा एंड भी यहां से देखो, दूसरा एंड मैंने इसका अटैच दिखाया है ताकि जब ब्लड क्लीन हो जाए, फिल्टर हो जाए, रीनल वेन्स को बॉडी के अंदर वापस ले जाए। तो यहां से ग्लोमेरुलस का एक एंड किसके साथ अटैच है? रीनल आर्टरी के साथ अटैच है और दूसरा किसके साथ अटैच है? रीनल वेन के साथ अटैच है। जब एक एंड रीनल आर्टरी के साथ अटैच है तो ग्लोमेरुलस के पास क्या पहुंच गया? डर्टी ब्लड। तो ग्लोमेरुलस के पास जब डर्टी ब्लड पहुंचा तो ग्लोमेरुलस ने इसको क्या करना स्टार्ट कर दिया? फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। फिल्टर करने में जब उसने फिल्टर करा तो फिल्टर करने से जो पॉइजनस सब्सटेंसेस थे, टॉक्सिक सब्सटेंसेस थे, वो लिक्विड की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में इस ट्यूब्यूल के अंदर चले, इस ट्यूब्यूल के अंदर एंटर कर गए टॉक्सिक सब्सटेंसेस। अब फिल्ट्रेशन के बाद जब ब्लड क्लीन हो गया तो ग्लोमेरुलस का दूसरा एंड किसके साथ अटैच है? रीनल वेन के साथ अटैच है। तो रीनल वेन क्लीन ब्लड को बॉडी के अंदर वापस ले जाएगी। बट अभी हम कैसे वापस लेके जाएगी, कैसे उसकी वर्किंग होगी, एक और टॉपिक अभी हम अगले लेक्चर में करेंगे उसकी वर्किंग का। यहाँ हम सिर्फ नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर क्या होता है और नेफ्रॉन काम क्या करता है, फिर नेफ्रॉन काम कैसे करता है, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। तो इस लेक्चर में मैंने आपको जब बता रही थी इसके स्ट्रक्चर के बारे में, तो मैं यहाँ बोल रही थी कि ग्लोमेरुलस का एक एंड किसके साथ अटैच है? रीनल आर्टरी के साथ, ठीक है? ग्लोमेरुलस का एक एंड रीनल आर्टरी के साथ और दूसरा एंड रीनल वेन के साथ है। रीनल आर्टरी इसके पास डर्टी ब्लड लेकर आई और रीनल वेन क्लीन ब्लड वापस। उसके बाद इस डायग्राम में आ जाए, यहाँ पर आपको ये ट्यूब्यूल, जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये ट्यूब्यूल स्ट्रेट दिखाया है, यहाँ पर ये ट्यूब्यूल ऐसे मैंने यहाँ पर शो इस फॉर्म में यहाँ पर ट्यूब्यूल होता है। अब ये ट्यूब्यूल के पास जो है पॉइजनस सब्सटेंसेस, इस ट्यूब्यूल के पास फिल्ट्रेशन के बाद जो पॉइजनस सब्सटेंसेस आए, और यहाँ से आप देख रहे हो ये जो मैंने ब्रांचेस शो करी है यहाँ पर, ये ब्रांचेस क्या है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स। ये ब्रांचेस कौन सी है? यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स है। ये जो ट्यूब्यूल है यहाँ पर यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स के साथ अटैच। यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, जो कहाँ से अराइज होती है? किडनी से अराइज होती है। जब मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम एक्सप्लेन करा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम का जो मैंने आपको डायग्राम एक्सप्लेन करा था, तो किडनीज में से पाइप्स बाहर आई थी, जिनको हम दिखा देखने में तो वो पाइप्स दिख रही थी,
पेट्रोल में वो क्या थे, यूरेटर्स थे। वो यूरेटर्स जो थे कहां क्या लेकर आ रहे थे, उस यूरिन को लेकर आ रहे थे, उस लिक्विड को लेकर आ रहे थे जो कहां से फिल्टर होकर आया था, किडनी से फिल्टर होकर आया। तो बिल्कुल उन्होंने उनका काम क्या था, यूरिन को कलेक्ट करना, और जो यूरिन को कलेक्ट कर रहा है उसको हमने क्या कहा, यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स। अब ये जो वेस्ट है, ये वेस्ट किडनी में या टिब्यूल में अपने पास